बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, समस्त सुंदर साथ की जय। ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है, ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है, हर सांस जो चलती है वो सांस तुम्हारी है, ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है। मैं खोई थी माया में, तुमने ही जगाया है, मैं खोई थी माया, तुमने ही जगाया है, ये नजर करम मुझ पर और अपना बनाया है, ये नजर करम मुझ पर और अपना बनाया है, कैसे क्या मजाल हमारी है, ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है, ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है। क्या थी और अब क्या हूँ, सब तेरी इनायत है, क्या थी और अब क्या हूँ, सब तेरी इनायत है, जो कुछ भी है पास मेरे सब तेरी बदौलत है, तुम ही हो मेरे प्रीतम, ये अंगना तुम्हारी है, ये दिल भी तुम्हारा है, और जान भी तुम्हारी है, ये दिल भी तुम्हारा है, और जान भी तुम्हारी है। बस एक तमन्ना है, जब भी मेरा दम निकले, जब एक तमन्ना है, जब भी मेरा दम निकले, आतम हो चरणों में और मुख से खसम निकले, आतम हो चरणों में और मुख से खसम निकले, रुख सत हो सी तरह, ये अरज हमारी है, ये दिल भी तुम्हारा है, और जान भी तुम्हारी है, ये दिल भी तुम्हारा है,
और जान भी तुम्हारी है। हर सांस जो चलती है वो जा सांस तुम्हारी है, ये दिल भी तुम्हारा है और जान भी तुम्हारी है, ये दिल भी तुम्हारा है और जान भी तुम्हारी है। बोली श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। सभी श्रद्धा सुमन धर्म प्राण सुंदर साजी को हृदय से रचिता सखी का कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। सुंदर साजी, हम इस वाणी के जरिए स्व आत्मा को समर्पण करते हैं और तब हमारे हृदय से यही भाव प्रकट हो आता है कि हे मेरे धाम गणी, ये हृदय कहें, ये आत्म कहें, इस शरीर का प्रत्येक अंग कहें, वो आपके प्रति समर्पित है, वो आपकी आज्ञा में निहित है। और इसी उद्देश्य से जब वह परम धाम की जागृत आत्माएं अपने खेल और संसार के बीच के जीवन को जब जीती हैं, तब उनका नजरिया ही बदल जाता है, क्योंकि अब पहले की भांति अन्य लक्ष्य न होते हुए धाम धनी जी के साथ में एकाकार होने का, अरस-परस होने का जो भाव है, हृदय को एक करने का जो भाव है, इस भाव के जरिए रूहें अपने धनी में जीती हैं और धनी इन रूहों में जीते हैं। इस प्रकार का धनी के साथ में ऐक्य होने का जो भाव है, वो हमने इससे पहले इस प्रकार से अनुभव नहीं किया था जो जागनी के ब्रह्मांड के अंदर हम अनुभव कर रहे हैं। सुंदर साज जी, इसलिए हम प्राण प्रियतम धनी श्री राजी महाराज के चरणों में यही अर्जी करते हैं कि जीवन भी इसी प्रकार से हर श्वास आपकी ओर लग जाए, हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। और इतना ही नहीं, अपने जीवन का अंतिम जो समय हो, अंतिम जो श्वास हो, जो आही श्वास कही जाती है, जिसके अंदर केवल धनी का, खसम का नाम ही मुख से आए और धनी की ही याद, धनी के चरणों का ही स्मरण हमें हो, इस प्रकार से हम अभी से ही धनी चरणों में प्रार्थना करते हैं और यही लक्ष्य को हृदय में धारण करते हैं। सुंदर साज जी, आइए श्री राज श्यामा जी के युगल चरणार विंद में हम प्रेम पूर्वक वंदना करते हुए आज के इस वाणी चर्चा सत्र का शुभारंभ करते हैं। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रथम लागो दो चरण को धनिये न छड़ायो क्षीणा, लाख तले लाल मेरे जीव के एही जीवन, मेरे जीव के एही जीवन, इन पाँव तले पड़ी रहो, धनी नजर खोलो बातों न, पलना वालों निरखो नेत्रे, मेरे जीव के एही जीवन, मेरे जीव के एही जीवन।
श्री सद्गुरु महाराज की जय। परम आदरणीय, परम वंदनीय, प्रात स्मरणीय गुरुदेव ब्रह्मलीन श्री दीन दयाल जी गुरु जी के पावन चरण कमल में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम के साथ उपस्थित सभी सुंदर साथ जी को हृदय से प्रेम प्रणाम करते हुए आइए साथ जी आज की मजल का शुभारंभ करते हैं। खसम खसम तो करत हो पर खसम नावत भार, ना हुज्जत रूह अरस की तो होत ना दिल करार, तो होत ना दिल करार। जो मांगू हक जान के अरस रूह कर हुज्जत। श्री इंद्रावती सखी हमें हुज्जत अर्थात कि किस प्रकार अपने धनी के ऊपर एक रूह का दावा होता है। एक ब्रह्म सृष्टि जब संबंध को आगे लगा करके हक लेकर के श्री राज्य के चरणों में जब कोई प्रार्थना करे या फिर कोई इच्छा चाहना को प्रकट करे तब हुज्जत से लेने पर क्या होता है इसके विषय की बात को हमें समझा रही है। पुनः कल की चौपाई के अंदर उन्होंने यह भी समझाया कि मुख से केवल खसम खसम कहने भर से खसम शब्द का महत्व न जान करके अगर हम खसम खसम कहते हैं तो वहां समर्पण की कमी होगी। समर्पण की कमी होने के बाद हम जिस प्रकार से अरस रूह की भांति ब्रह्म सृष्टि की भांति जो दावा लेकर के धनी से मांगना चाहिए वैसे मांग नहीं सकेंगे। और इसीलिए कहा कि जब तक कोई भी ब्रह्म सृष्टि समर्पण का भाव जब तक उसके अंदर न हो, दावा लेकर धनी से जब तक बात न कर सकती हो तो उसके हृदय के अंदर करार आत्म शांति की अनुभूति नहीं हो सकती है। और उसके आगे कह रही है इंद्रावती सखी, जो मांगू हक जान के अगर मैं मेरे धनी जी श्री राजी महाराज को हक जान करके मैं जब उनसे मांगती हूँ अरस रूह कर हुज्जत। अरस रूह परम धाम की ब्रह्म आत्मा के रूप में हुज्जत करते हुए दावा लेते हुए कि मेरे धनी है, मैं अगर मेरे धनी के आगे ना कहूं तो मैं किसके आगे कहूं, किसके आगे मांगू। लेकिन ये हुज्जत लेने के लिए सर्वोपरि हमारा समर्पण का भाव होता है। जो अगर ये समर्पण का भाव नहीं है तो रूह की भांति ब्रह्म सृष्टि की भांति हुज्जत ले ही नहीं सकेंगे, दावा ले ही नहीं सकेंगे तो मांगेंगे कैसे। तो इंद्रावती सखी जिन्होंने पहले ही हमसे कहा है कि झूठी मैं जब तक है और उसके द्वारा जब कुछ पुकार करते हैं, जब कुछ मांगते हैं तो वो गलत सिद्ध हो जाता है। वो इसलिए होता है क्योंकि उसके अंदर धनी के प्रति हमने कोई दावा नहीं लिया, धनी को धनी की तरह पहचाना नहीं है। हालांकि जब धाम धनी की सच्ची मैं अपने अंदर में आ गई और धनी को पूर्ण रूप से हमने जाना कि हमारे खसम कौन है, कैसे हैं, तत्ववत उनको जानने के बाद जब कोई ब्रह्म सृष्टि अपने कर्तव्य में खड़ी हो जाती है, कर्तव्य परायण हो करके जब धनी से कुछ मांगती है तो वह हुज्जत ले सकती है, दावा ले सकती है, क्योंकि हर पल हर दम हर क्षण धनी उसके साथ है। तो तब ही उम्मीद पहुंचेगी। अगर उसने स्वयं को रूह की भांति खड़ा कर लिया, धनी को खसम की भांति समझ लिया तो उसकी जो उम्मीद है, उसकी जो चाहना है, वह चाहना
तब ही तुरंत ही इमिजिएटली वो उम्मीद पहुंच जाती है श्री राज जी तक। क्योंकि अगर वो इस प्रकार से दावा लेकर मांग रही है धनी की मैं को लेकर, तो वो धनी से अलग तो है ही नहीं, तो उसकी उम्मीद उसकी चाहना धनी के प्रति, धर्मों के प्रति, धर्म कार्य के प्रति है, उससे अलग नहीं है, उससे विपरीत भी नहीं है। और ना तो वो स्वयं का अस्तित्व देख करके मांग रही है, वो तो जो भी कर रही है धनी के लिए कर रही है। इस तरह से जो दिल में यौ उपजत, अगर दिल के अंदर इस प्रकार की उम्मीद जागृत हो जाती है धनी की मैं को लेकर दावा लेते हुए, तो अवश्य वह उम्मीद श्री राज्य तक तुरंत ही पहुंचती है। जैसा हक है सिर पर तैसा तहकीक जानत ना है। उपरोक्त चौपाई को जब हमने श्रवण किया तो श्री इंद्रावती सखी ने स्पष्ट रूप से बताया कि ब्रह्म सृष्टियों का दावा अपने धनी पर क्यों नहीं चलेगा, अवश्य चलेगा, परंतु अगर धनी को धनी की भांति और रूह अपने आप को पूरी तरह समर्पित करती है तब वह दावा जरूर चलता है, वह उम्मीद जरूर पहुंचती है। लेकिन अब इसके बाद की चौपाई में पुनः यह समझा रही है इंद्रावती सखी कि क्यों इतना होने के बाद, ऐसा अकाट्य संबंध होने के बाद भी हमारी चाहना क्यों नहीं पहुंच पाती है, अब इसका कारण भी जानना पड़ेगा। तथापि इंद्रावती सखी ने कहा कि हमारे सिर के ऊपर भक्त श्री राज जी है, और अब तक की जितनी चौपाइयां हमने खिलवत वाणी के अंदर में श्रवण की है, हर चौपाई के हर पहलू के द्वारा देखिए तो इंद्रावती सखी ने बस यही समझाया है कि सर्वत्र श्री राज जी है, श्री राज जी के बिना और कुछ भी नहीं है। अब तक इस बात को रूहों के दिल के अंदर ठोस रूप से इंद्रावती सखी ने जमा दिया है, तो हम भी यही जानते हैं, हम भी इसी बात को प्रत्यक्ष देखते हैं कि जो कुछ भी है वो श्री राज जी के द्वारा है। नथिंग एल्स एक्सेप्ट द ब्रह्मन एग्जिस्ट्स, एवरीथिंग एल्स इज बट एन इल्यूजन। श्री राज जी के बिना और कुछ है ही नहीं, जो नजर में आ रहा है यदि उनके बिना वो सब माइक है, मायावी है, मिथ्या है। तो इंद्रावती सखी इसीलिए कहती है कि जैसे हक श्री राज जी हमारे सिर के ऊपर खड़े हैं, खड़े हैं ये तो बात जानते हैं, मगर धनी जी की पातशाही कैसी है, धनी जी को तत्ववत क्या हमने जान लिया? बिना इलम धनी को तत्ववत नहीं जान सकते, और इसी इलम के द्वारा तरह तरह से इंद्रावती सखी श्री राज जी महाराज की पहचान, उनके हुकुम की, उनके मेहर की, ये सारी विधविध की पहचान हमको वाणी के जरिए करा रही है। तो जैसे धनी जी हमारे सिर के ऊपर खड़े हैं तैसा तहकीक जानत नाही, निश्चित रूप से अगर हम वैसा नहीं जानते हैं जैसा हमको जानना चाहिए, अर्थात श्री राज जी महाराज के स्वरूप को जैसे समझना चाहिए, जिस प्रकार का ठोस विश्वास उनके स्वरूप के प्रति आना चाहिए, विश्वास होगा तो समर्पण भी होगा, लेकिन विश्वास आने के लिए पहचान जरूरी है। क्या हमने श्री राजी को पूर्ण रूप से जानने का प्रयास किया? क्या हमने हमारे जीवन के अनमोल क्षणों को श्री राजी महाराज के प्रति ऐसे डिवोट किया है कि हम उनको अच्छी प्रकार से जाने, उनकी शक्ति को, उनकी महत्ता को, उनकी बुजुर्गी को, उनकी पातशाही को? क्या हम इस प्रकार से जानते हैं जैसा हमको जानना चाहिए? हाँ, श्री राज जी है, सर्वोपरि है, ये भी हम जुबान से कहते हैं, लेकिन हृदय की गहराइयों से इस बात को हमने शायद नहीं पहचाना, इसीलिए हृदय जो है
उसके अंदर ठोस रूप से इस बात को हमने अब तक बिठाया नहीं होगा। तो जैसे धनी है उनकी पातशाही जिस प्रकार की है, इसे हमने पूरी तरह से नहीं जाना। बिसर जात है नींद में, इसका भी क्या कारण है? ये जो नींद है वह नींद हमको बिसराई गिनियो बंजे, खींच करके ले जाती है, तारतम खींच करके ले आता है, धनी को दिखा रहा है, धनी का इलम बार बार धनी के दर्शन करा रहा है। किंतु ये जो माया है, ये जो अज्ञान अंधकार है, वो बार बार घेरने का प्रयास करता है और इसी के कारण से निंद्रा घेन धारण के अंदर हम भूल जाते हैं। इलम बार बार याद कराता है, हम बार बार भूलते हैं और इसीलिए तो इंद्रावती सखी ने कहा कि ये अनुपम बात है, चर्चा सुन जो दिन ने रात। केवल श्रवण मात्र से नहीं, उसको मनन करके अंदर उतारना है। अगर इसे अंदर नहीं उतार पाते हैं तो यही अज्ञान रूप निंद्रा, द इग्नोरेंस फॉर्म स्लीप, ये हमको खींच करके इस प्रकार से ले जाती है कि खसम के वास्तविक स्वरूप को हम समय में पहचान नहीं पाते। ये वैसा ही है जैसे यशोदा मैया ने श्री कृष्ण जी के बाल स्वरूप मुखारविंद के अंदर समग्र विश्व का दर्शन किया था और उसके बाद जैसे ही उन्होंने अपना मुख बंद कर लिया, तुरंत माया ने बुला दिया और जिसका दर्शन करके वे आश्चर्य में पड़ चुकी थी, ऐसी यशोदा मैया ने श्री कृष्ण जी को पुनः अपने पुत्र समझ करके प्रेम से उनको सुधारते हुए एक लाफा ही लगा दिया। क्यों? क्योंकि उस समय में जो सामने दृष्टि में आया वो उसके पश्चात दिल दिमाग के अंदर नहीं रहा, भूल गई। ऐसे ही खसम को वाणी के जरिए जानने लग गए हम, परंतु पूरी तरह तहकीक निश्चित करके जो जानना चाहिए वैसा नहीं जान पाए। दृढ़ होत ना ख्वाब के माहे, इंद्रावती सखी कहती है इस ख्वाब के बीच, इस स्वप्न संसार के बीच जहां माया ने पूरी तरह हमको आवृत कर रखा है, ऐसे में चंद समय के लिए, कुछ अल्पकाल के लिए जब हम धनी का स्मरण करते हैं, उतने समय तक तो धनी याद है और धनी की महत्ता को याद रखते हैं, बट हाउ डू वी रिटेन दिस इन अवर हार्ट फॉर एवर, हमेशा के लिए इस बात को, इस भावना को जो धनी के प्रति जुड़ जाती है, उस भावना को कायम कैसे रखें? इंद्रावती सखी कहती है कि ख्वाब के बीच माया के प्रभाव के कारण से ही हमारे दिल के अंदर श्री राजी महाराज के प्रति आया हुआ वो भाव दृढ़ हो नहीं पा रहा, इसे ही दृढ़ करना है। अब कैसे करें? दृढ़ करने के लिए ही पुनः पुनः इलम समझा रहा है, बार बार वाणी के जरिए तरह तरह के पहलुओं को समझाया जा रहा है। अगर गौर करते हैं तो नित्य प्रति वाणी के अंदर खसम के महत्ता के विषय, किस प्रकार से सब कुछ खसम के हाथ में, उनके हुकुम के हाथ में, किस प्रकार उनकी मेहर पसरी हुई है, इसी बात की चर्चा तो हम करते हैं, मगर ये चर्चा करने के पीछे का मकसद ही ये है कि बार बार अपने भूले हुए मन को इस बात की याद कराएं। न केवल श्रवण करते समय, बल्कि इसी बात को दिल के अंदर उतारना है। जब हम श्रवण करते तो वो पहला कदम हुआ, परंतु दिल के बीच में उतारने की बात होती है, उसके लिए निरंतर हमें वो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जिस तरह हमने पहले भी इस उदाहरण को सुना है कि जब हम किसी शॉप में लगी हुई कोई अच्छी सी चीज को देख करके मोहित होते हैं, आकर्षित होते हैं, लगता है ये मुझको खरीदनी है, मगर उसे देख करके
आश्चर्य में तो आप पड़ गए, लेकिन उसको जब खरीदना है तो वो खरीदने के लिए मेहनत करके धन कमा करके उसको लेना पड़ेगा। इसी प्रकार से जब वाणी के मर्म पूर्ण वचनों को जब हम श्रवण करते हैं, ऐसे मार्मिक वचनों को सुनना ही हमारे लिए काफी नहीं है, पर्याप्त नहीं है। श्रवण करने के बाद उसको दिल में कैसे उतारें, ये बात मुख्याति मुख्य है। नहीं तो इतना सुनने के बाद भी निंद्रा लेकर जा रही है हमको हर पल। पहले भी हमने इस बात के ऊपर गौर किया है कि हर आधे घंटे, हर एक घंटे के अंदर अपने आप को इस बात की याद दिलाई जाए, मैं कौन हूं, मैं कहां से क्यों आई हूं। ये छोटा सा जो बीच में अगर हम याद कर लेते हैं, जैसे कोई काम कर रहे उस समय छींक आ जाए तो उसमें कोई ज्यादा समय नहीं लगता, ना तो लिंक ब्रेक होती है काम की, परंतु उसी के साथ साथ छोटे से समय के अंदर हम एक ब्रेक भी ले लेते हैं। वैसे ही इस चलते हुए कंटिन्यूस जीवन के अंदर एक ब्रेक लेना आवश्यक है। अगर हम यह प्रैक्टिस में ले आते हैं कि दिन के प्रत्येक घंटे के बाद हम अपने आप को यह स्मरण कराए, मैं कौन हूँ, कहाँ से क्यों आई, मेरे खसम कौन है, इतनी यादगिरी आनी चाहिए। धीरे धीरे ये एक घंटे का जो लंबा इंटरवल है वो छोटा होते होते आधे घंटे पर ले आइए। दिस इज हाउ वी हैव टू पुट इट इन प्रैक्टिस। ऐसे ही उसको जीवन में उतारना पड़ेगा और उसके पश्चात धीरे धीरे करके इस समय को और घटाते जाइए, और तभी ही मोमिन रूहों की भांति हर पल हर क्षण अंदर से अपने आप एक स्फुरण होगा, अपने आप इस बात की याद आने लगेगी। एंड दिस विल हैपन एफर्टलेसली, इसमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। स्वयं जैसे श्वास की प्रगति चलती है उसी प्रकार से यह होगा। तो साथ जी सब कुछ इलम ने बताया फिर भी निंद्रा भुलाती है, इस निंद्रा के प्रति, इस भूलन के प्रति रूहों को क्या करना है, इस विषय में हमने यहाँ पर जाना है। जो मांगिया है ख्वाब में सो हक के पूरा सब किया। अगर कोई रूह जैसे इंद्रावती सखी ही है और उन्होंने ख्वाब के बीच अर्थात स्वप्निक संसार के बीच खेल देखते देखते धनी से कुछ मांग भी लिया अपनी जागनी के विषय, भविष्य के विषय में, जैसे एक उदाहरण के द्वारा समझे, श्री सतगुरु स्वरूप धनी देवचंद्र जी के पश्चात जागनी का कार्य किस आत्मा के द्वारा होगा, इस बात को धनी देवचंद्र जी श्री राज्य से पूछना चाहते थे। तब ये बात को पूछा गया, मांगा गया, ये अगर हम कहें कि ये जो सारी बात ख्वाब के बीच में मांगी गई, फिर भी खसम ने इसे भी पूरा किया, क्योंकि रूह चाहे ख्वाब में हो चाहे जागृत अवस्था में हो, परंतु श्री राजी हर पल उसके साथ में, हर पल उसके सिर के ऊपर में खड़े हुए हैं और उस रूह को अच्छी प्रकार से संभाल करके आगे ले जा रहे हैं। हमारी दृष्टि में नहीं आता, परंतु धनी तो है ही है। तो इंद्रावती सखी कहती है कि जब ख्वाब में भी धनी इस बात को, इस कामना को पूर्ण करते हैं, सो बहुत ना मोहे शुद्ध परी, जो ख्वाब के मिनी दिया। उस समय उतनी समझ शक्ति नहीं थी और इसीलिए बहुत शुद्ध, ज्यादा खबर तो मुझे नहीं लगी कि किस प्रकार से धनी जी ने ख्वाब के बीच में, ख्वाब मिने, इस ख्वाब के बीच में मुझे किस प्रकार से मेरी इच्छा को पूर्ण किया। अब ये बात जब वर्षानुवर्ष के बाद में समझने का प्रयास करते हैं तो
तो अब जाकर यह बात समझ में आती है कि ख्वाब के बीच में की हुई इच्छा को भी श्रीराज जी ने श्रवण करके पूर्ण किया था। जो मैं मांगू जाग के और जागे ही मैं पाऊं। अब यदि ख्वाब के परे जब मैं इस तारतम वाणी के माध्यम से जागृत हो जाती हूँ और जागृत होकर के धनी से हुज्जत लेते हुए दावा करते हुए मैं धनियाणी हूँ, मैं धनी से न मांगू तो किससे मांगू, ये हुज्जत लेने के लिए भी उस सखी को बड़ा ही समर्पित और दृढ़ होना पड़ेगा, इसके बिना हुज्जत ले ही नहीं सकेगी। जब वह धनियाणी अपने धनी के प्रति पूरी तरह समर्पित है तो ही वह इस प्रकार की हुज्जत ले सकेगी। तो इंद्रावती सखी कहती है कि अगर मैं जागृत होकर के धनी से हुज्जत लेते हुए मांगती हूँ और जागे ही मैं पाऊं तो मुझे मेरी जो भी इच्छा है धनी के प्रति वो जागृत में ही प्राप्त हो जाएगी, जागे ही मैं पाऊं तो कार्य सब सिद्ध हो वही। और अगर कोई रूह इस प्रकार जागृत अवस्था में पहुंच करके मांगती है धनी से, धनी उसको पूर्ण करते हैं तो रहा ही क्या, सारे कार्य तो सिद्ध हो गए और सिद्ध होना ही है, क्योंकि रूहों का इस संसार के बीच में आने का मकसद ही ये है कि वे अपने धनी को तत्ववत पहचाने, इलम से दृढ़ होवे, तब जाके धनी की मैं के द्वारा हुज्जत लेते हुए दावा करते हुए वो धनी के प्रति इस तरह समर्पित होके मांग सकती है। साथ जी वितक के प्रसंग के आधार पर भी बात करें, लीलबाई माता जी को श्री कृष्ण जी ने आदेश किया, मैं आपको कल परम धाम ले जाऊंगा। जब वह दिन आता है, दूसरे दिन जब धाम जाने के लिए तैयारी होती है, धनी देवचंद्र जी ने कहा कि आप अपनी ओर से दर्शन तो कराइए क्योंकि आप धाम जा रही है। तब लीलबाई माता जी कहती हैं, हे कृष्ण जी, हे धाम धनी जी, आप सभी को दर्शन दीजिए। दर्शन तो तीन बार दे ही रहे थे, परंतु धाम चलते वक्त पुनः कहा विनंती करते हुए, तो श्री कृष्ण जी ने उस वक्त उस बात को माना नहीं। जब छेड़ा पकड़ करके, अचर पकड़ करके उन्होंने इस बात को दावा लेते हुए मांगा कि आप धनी हैं, मैं कह रही हूं मेरी इच्छा से आप पूर्ण करिए। जब इस प्रकार से हुज्जत लेते हुए मांगती हैं, तब जाकर श्री कृष्ण जी ने पुनः उनको दर्शन दिए। साथ जी इसीलिए कहा, अचर पकड़ पियू देखला उसी, एक दूजी को प्रेम सिखला उसी। इस दावा के अंदर, इस हुज्जत के अंदर रूह का वो प्रेम है, ब्रह्म आत्माओं की वो एकाग्रता है कि जिसके कारण से वह हुज्जत ले रही है, इसके बिना वो हुज्जत ले ही नहीं सकेगी। तो इंद्रावती सखी कहती है कि यही कार्य को तो सिद्ध करना है, हुज्जत लेकर धनी से दावा लेकर के मांगना है। जो फैल ही नींद उड़ाऊं, फैल व्यवहार को कहा है, किस प्रकार से हम चाल चलन करते हैं उसको कहा है। हमारी जो नींद है वो कॉल और फैल दोनों में है, वचनों में भी एक अज्ञान का आवरण है, इलम के द्वारा जितना हम गहराई में समझते जा रहे हैं उतना उतना वह कॉल के ऊपर, शब्दों के ऊपर हमारा अज्ञान का जो आवरण है वह आवरण हटता जा रहा है, किंतु अभी भी फैल के ऊपर का जो आवरण है, व्यवहार के ऊपर का जो आवरण है वो पूरी तरह से हटा नहीं है। अगर कॉल से जैसे आवरण हटता जा रहा है,
वैसे फैल से हटता जाए तो ही हाल आने की संभावना बनती है। कौल मात्र से अज्ञान के आवरण का हटना, फैल में से न हटना तो हाल आएगा नहीं। इंद्रावती सखी ने कहा, जो फैल ही नींद उड़ाऊं, फैल से भी चलन व्यवहार में भी जो नींद का आवरण बना हुआ है उसको मुझे दूर करना है, तब जाकर कहीं मैं हुज्जत लेकर दावा लेकर मेरे धनी के सामने खड़ी हो सकूंगी। ये जो नींद उड़ाई कौल में, जो कदी फैल में उड़त, कौल के ऊपर वचनों के ऊपर के निंद्रा का आवरण, जैसे पहले हर किसी के अंदर वो झूठी मैं होती है, हम कहते हैं मैं तो दुनिया की फलाना हूं, मैं महराज हूं, मैं देवचंद्र जी हूं, परंतु जब सच्चाई सामने आती है, हकीकत जब सामने आती है, तब वही महराज अब दावा लेते हुए कहते हैं कि मैं परमधाम की अग्रगण्य इंद्रावती सखी हूं। कौल के ऊपर से अज्ञान का पर्दा हट गया, असली पहचान सामने आ गई। अब फैल के ऊपर से इसी प्रकार से वो अज्ञान का पर्दा दूर हटाना पड़ेगा। जो कभी फैल में उड़त वही तो नहीं हो पाता, फैल से अगर वो अज्ञान का पर्दा हट जाए तो निस्बत इनकी हक्कसों, तब जाकर रूहों की निस्बत, रूहों का संबंध श्री राज जी से ऐसे लगेगा जैसे वह परम धाम में है। सुंदर सा जी, रूहों के लिए यही सार तत्व है। श्री राज जी यही तो कहते, यही तो चाहते कि श्री परम धाम की भांति शाश्वत प्रेम को यहां धारण करें। जैसा प्रेम, दैट अनकंडीशनल डिवाइन लव जो परम धाम में था, उसी प्रकार के प्रेम को यहां धारण कराने के लिए ही तो इलम इतना सब कुछ समझा रहा है। और इंद्रावती सखी ने यह भी कहा, कौल का पर्दा उड़ा, वैसे फैल का पर्दा अगर उड़ जाता है तो फैल भी धनी के अनुकूल हो जाएंगे, और ऐसे में हक के साथ जो निस्बत है, जो संबंध है हमारा, वो पूरी तरह से सफल हो जाएगा। केवल जुबान से हम नहीं कहेंगे कि धनी हमारे हैं, मैं धनी की हूं, वो शब्दों के बाद हमारे फैल आचरण में भी आ जाएगा। आवत अरस लज्जत, और इसका फल स्वरूप क्या है कि रूह के कौल में भी उतर गई ये बात, फैल में भी उतर जाती है अगर, तो अरस की लज्जत, अरस का स्वाद, श्री परम धाम का वो प्रेम और वहां की मिठास, यही रूही अनुभव करती है। संसार के बीच में रहते रहते ये रूहों को ऐसा अनुभव होता है कि हम धाम में ही हैं, धाम में बैठ कर के खेल देख रही हैं। और इस समय जो अनुभव है रूहों के अंदर, वो यह है कि हम संसार में बैठी है, धाम की याद कर रही है। तो इस प्रकार से बहुत ही एक गंभीर विषय है, एक गहराई की सोच है जो इंद्रावती सखी ने खिलवत वाणी के अंदर हमसे चर्चा की है। हे साथ जी, उस अर्श की लज्जत को पाने के लिए ये चाहिए कि मैं धाम में बैठ करके खेल देख रही हूं, संसार में बैठ के धाम को याद कर नहीं रही। इस प्रकार से हमारा नजरिया जब बदल जाता है, तब धाम में बैठे बैठे खेल देखने वाली अनुभूति होती है, और तब परम धाम की सारी वस्तुओं की, 25 पक्षों की, धनी के साथ की हुई लीला की, वो सारी खुशबू, सारा स्वाद, सारी लज्जत, इसे हम यहाँ संसार के बीच में पा सकते हैं। यही इंद्रावती सखी का कथन है। और जब रूहें इस इलम के द्वारा ये पर्दों को एक के बाद एक दूर करती है, तब
तब कहीं जाकर ये अनुभव होता है। अभी के लिए हम भी इसकी चर्चा ही कर रहे हैं, परंतु अनुभव तब होगा जब इसको फैल में उतारा जाएगा। सुंदर शाह जी बड़े ही गहराई के, बड़े ही मार्मिक भाव श्री इंद्रावती सखी इस वाणी के अंतर्गत हम आपसे चर्चा करती हैं, पुलस्त करती हैं, और हम रूहों को चाहिए, हम सुंदर साथ को चाहिए कि श्री इंद्रावती सखी के पीछे पीछे आओ मैं मारे की लार, इसी में हम चलते रहें, इसी इलम के द्वारा हम श्री इंद्रावती सखी को फॉलो करते रहें, यही हमारा लक्ष्य है। तो प्यारे सुंदर साथ जी, इसी के साथ आज की गजल को यहीं पर विराम देते हैं। ए जो नींद उड़ाई कौल में, जो कदी फैल में उड़त, तो निस्बत इनकी हक सों, आवत रस लज्जत, आवत रस लज्जत। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सर्वे सुंदर साथ की जय, बोल बोल पंजे वाले की जय। प्रणाम सुंदर साथ।